सीधा रुख करेंगे रायपुर की तरफ। तो रायपुर से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? मतदान होने हैं जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव है। लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव है, और इन तीनों सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जो घूर नक्सली क्षेत्र है वहां पर जो मतदान कर्मी है जो उनको भेजा जा रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा, और जो मतदान की सुरक्षा को लेकर भी पूरे तरीके से बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए उन क्षेत्रों में, ताकि मतदान दल को कोई नुकसान न हो और बेखौफ होकर जो आम जनता है वो मतदान कर सके। क्योंकि कांकेर का एक बड़ा क्षेत्र घोर नक्सली क्षेत्र माना जाता है, जहां पर हाल ही में 29 नक्सली को मार गिराया गया था जवानों के द्वारा। तो ऐसे में नक्सली कहीं ना कहीं आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। तो मतदान के दिन कोई अप्रिय घटना न हो, जिसकी तैयारियों में पूरी तरह से शासन प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं अरुण साव उप मुख्यमंत्री आज लोरमी दौरे पर रहेंगे, जहां भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बिलासपुर के तोखन साहू के समर्थन में आम जनता को वोट देने की अपील करेंगे। वहीं 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। यह लोकसभा चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला चुनावी दौरा रहेगा, जिसमें जांजगीर चांपा जिले में वो आम सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। चूंकि जांजगीर चांपा जो क्षेत्र माना जाता है, जो बेल्ट है, वह एक बड़ा एसटी एससी वर्ग माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित वर्ग का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे माना जाता है, तो उनका प्रभाव जो है दलित वर्ग के लोगों पर डालने के लिए उनको खड़े किया गया है। और जांजगीर चांपा क्षेत्र में लोगों से वो मतदान देने के लिए कांग्रेस की तरफ से अपील करेंगे। वहीं अलका लांबा जो है आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी, जिनमें 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और भिलाई दौरे पर रहेंगी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और जो महिलाओं को साधने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा विधानसभा चुनाव में देखा गया कि महिलाओं का वोट बैंक जिस तरफ ज्यादा था उनकी सरकार बनी, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं और युवाओं का वोट जो है सबसे अहम माना जा रहा है। तो महिलाओं को साधने के लिए जो है इस तरह से अलग अलग जो स्टार प्रचारक है उनको बुलाया जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी 29 तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और आम जनता को जो है साधने का प्रयास करेंगे। चूंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें तो दोनों अपने अपने हिसाब से लोगों को साधने में जुटी हुई है। इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये मतदान के दिन ही आम जनता तय करेगी। जी सिमरन जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।